हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शादियों में बनने वाली शाही रोल की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही इजी तरीके से ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहां पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसमें बिल्कुल भी हड्डी वगैरह नहीं है। इसकी देखिए मैंने इस तरीके की पीसेस कर ली हैं और इसे मैंने वॉश करके जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा मैंने ड्राई कर लिया है। कॉटन में कपड़े में रख के सारा पानी निकाल लिया है। ड्राई मसालों मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, मिर्ची और अदरक। टोटल मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून में तीनों चीज़ें ली हैं। इसे मैंने बिना पानी के हल्का सा दरदरा पीस लिया है, पानी का यूज़ नहीं किया है। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चीज़। मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक्स वाली चीज़ ली है मोंजरेला की, अगर आपके पास क्यूब्स वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड को हमें हल्का सा गीला करना है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। 1 मिनट हमें इसे पानी के साथ रहने देना है। देखिए इस तरीके से, देखिए ब्रेड अच्छे से गीला हो चुका है। तो अब हमें इसका जो पानी है वो सारा पानी हमें निकाल लेना है हल्का सा इसे प्रेस करते हुए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से सारा पानी मैंने निकाल लिया है, इसे ड्राई कर लिया है अच्छे से। देखिए बचे हुए ब्रेड में भी मैंने इसी तरीके से इसका पानी निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है तो मैंने इसमें 2 ब्रेड डाली है। अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो आपकी ब्रेड की क्वांटिटी भी आपको बढ़ा लेना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। अब हमें इसे पीस लेना है, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ड्राई से पीसना है। देखिए मैंने इसे पीस लिया है, बिल्कुल ये ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह मैंने नहीं डाला था। चिकन का भी मैंने सारा पानी निकाल लिया था, चिकन को मैंने वॉश करके कॉटन के कपड़े में रखा था ताकि जो पानी है वो सारा निकल जाए। अब मैंने इसमें ऐड किया है धनिया, कटे हुए मैंने यहाँ पे कोथमीर डाल दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी की डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डालिए, क्यों अगर आप इसमें घी या बटर का यूज़ करेंगे तो अंदर से जो चिकन है वो बहुत ही जूसी रहेगा, इसलिए आप इसमें ज़रूर बटर या तो घी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसके रोल बनाने स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ भी ले लिया है, चीज़ को हमें हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, इसका जो पीछे का हिस्सा है हमें वही यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बीच के हिस्से में ऑयल लगा दिया है। अब जैसे हम रोटियों के लिए पेड़ा लेते हैं उसी साइज़ का मैंने एक पेड़ा ले लिया है। इसे हल्का सा प्रेस करना है। देखिए जहाँ पे मैंने तेल लगाया था वहीं पे मैंने इसे रख दिया है और इसे हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। देखिए इस तरीके से, और ये बीच से फटना या क्रैक्स वगैरह भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट इसे सॉफ्ट हाथों से इसे प्रेस करना है। देखिए इस तरीके से, और जो बीच का हिस्सा है हमें उसे थोड़ा सा मोटा रखना है क्योंकि जब हम इसमें चीज़ डालेंगे तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आना चाहिए। देखिए चीज़ को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो जो घिसी भी चीज़ आती है वो यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक चीज़ मैंने यहाँ पर लिया था इसलिए मैंने इसे घिस लिया है। देखिए अब दूसरी साइड से हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए आप ये तरीका, आप इसी तरीके से फोल्ड करिए, ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद तो आप वही पॉलीथीन से जो करते हैं आप उस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। बस आपको हल्का सा तेल का यूज़ करना है और इसे फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरीके से, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं और ईज़िली ये फोल्ड भी हो जाता है। पॉलीथीन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये तरीका मुझे बहुत ही इजी लगता है इसलिए मैंने आपके साथ ये मेथड शेयर किया है।
देखिए इस तरीके से मैंने सारे रोल बना लिए हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब हमें इसमें लगाना है ब्रेड क्रम्स। यही प्लेट मैं सीधी करके देखिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिया था, जो घर में ब्रेड बची हुई थी उसी से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड ब्रेड क्रम्स है तो आप वो यूज़ करें। अब मैंने सारे रोल पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिया है। अगर आपको नहीं पसंद है, आप चाहते हैं कि पहले आप अंडा लगाएं उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं, तो वो भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे क्या होता है, रोल टूटते नहीं हैं जल्दी। सबसे पहले ब्रेड क्रम्स लगाना है, उसके बाद हमें अंडे में डिप करके उसे फ्राई करना है। और कुछ लोग पहले अंडा लगाते हैं उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ही परफेक्ट है। आप इस तरीके का तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। देखिए सारे रोल पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है अंडा, दो अंडे मैं यहाँ पर फेंट रही हूँ। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो और अंडा मैं फेंट लूँगी। इसमें हमें डालना है नमक, क्योंकि रोल में नमक है इसलिए इसमें हल्का सा बस हाफ पिंच हमें नमक डालना है इसमें, और इसे अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। देखिए अंडे को मैंने फेंट लिया है, तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए तेल भी गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पे मैंने तेल को गर्म कर दिया है। अब हमें इसे अंडे में डिप करके डायरेक्ट हमें इसे ऑयल में डालना है। हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है, लेकिन अब मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है ताकि लो फ्लेम पे अच्छे से पक जाए, अच्छे से अंदर भी कुक हो जाए। देखिए सारे रोल हमें अंडे में डिप करके ऑयल में डाल देना है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर आप इसका फ्लेम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से तो तुरंत लाल हो जाएगा, क्योंकि इस पर अंडा लगा हुआ है, तुरंत लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे आपके रोल। चिकन जो है वो अच्छे से कुक नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो हो, लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से आप आराम से फ्राई करें। 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये जो है अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएगा, बिल्कुल जूसी जो चिकन है। देखिए इस तरीके से हमें पलट करके भी अच्छे से फ्राई कर लेना है हर तरफ से, और गैस का फ्लेम तो हमें बिल्कुल लो रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, नहीं तो जो ये रोल है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो देखिए अब जो रोल कुक हो चुका है, जो फ्राई हो चुका है, लाल हो चुका है, उसे हमें निकाल लेना है। और इसी तरीके से बिल्कुल इसी मेथड से हमें अंडे में डिप करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें सारे शाही रोल को फ्राई कर लेना है। देखिए मैंने इसके पीसेस भी कर दिए, अंदर से देखिए कितना जूसी है और बहुत ही मज़ेदार ये मैंने रोल यहाँ पर रेडी किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक इसी तरीके की मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।